वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अपन वन बाय वन देखेंगे कि क्या प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है एंड कंट्रोलिंग क्या होता है। फर्स्ट इज प्लानिंग। इट इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस। यहाँ पे हमें एडवांस में डिटरमाइन करना रहता है फ्यूचर के बारे में। जितने भी प्लान्स होते हैं वो क्या करते हैं, आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड हु इज टू बी डन। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे करना है और उसे कौन करेगा। अंडर दिस ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड। प्लानिंग में जनरली हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी को क्या करना है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसको अपनी इस मंथ में सेल्स इंक्रीज करनी है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी कि वो अपनी सेल्स को कैसे इंक्रीज करे। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग करेगी कि हम मार्केट कैंपेन रन करें, प्रोडक्ट के प्राइस को रिड्यूस कर दें, मार्केट रिसर्च करें। तो दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। देन सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। हियर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है। और द वे इन विच द वर्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल इज अरेंज। जैसे कि हमने पहले वीडियोज में देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोग, यहाँ पे ग्रुप्स काम करते हैं, एक अकेला इंडिविजुअल काम नहीं करता है। तो जब भी ग्रुप्स काम करते हैं वहाँ पे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब कि जितने भी वर्क है वो सिस्टमैटिकली अरेंज जो होने चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तीन चीजें इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज डिफाइनिंग द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को डिफाइन किया जाता है। देन ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। देन थर्ड इज असाइनिंग द एक्टिविटीज टू पीपल, वो एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करने वाला है हमें उन्हें असाइन कर दिया जाता है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेन करना, देन अपॉइंट करना, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके। देन फोर्थ इज डायरेक्टिंग। इट रिलेट टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है और उन्हें मोटिवेट किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें हम अचीव कर पाए। देन फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। देखिए, हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, डायरेक्टिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, बट द मेन फंक्शन इज कंट्रोलिंग। अगर हमने चीजों को कंट्रोल नहीं करा तो हमारी जितनी भी प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, वो किसी काम की नहीं रहेगी। देखिए, कंट्रोलिंग में क्या रहता है कि हमें इंश्योर करना रहता है। क्या इंश्योर करना रहता है कि जो हमने प्लान करा था वो परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या डेविएशन आए। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग में हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं, और जब हमें कंट्रोल करना रहता है तो हमें जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया है और जो हमारा एक्चुअल आया है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आया है क्या, कुछ एरर्स आए, कुछ डिफेक्ट्स आए, तो वो हमें थ्रू कंट्रोलिंग पता चलता है। अभी तक हमने फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है, लेकिन ये अलग से नहीं होता। इन सब फंक्शंस के ऊपर एक फंक्शन रन करता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना। और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स होते हैं उन्हें सिंक्रोनाइज करना, जितने भी डिपार्टमेंट के एफर्ट्स होते हैं उन्हें सिंक्रोनाइज करना। देयरफॉर सिंक्रोनाइजेशन इज एसेंशियल। इसीलिए हम ये बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन एसेंशियल होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में वर्क करेंगे, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, उसको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को बताना पड़ेगा, देन परचेज मैनेजर को बताना पड़ेगा, देन फिर फाइनेंस आएगा। तो इन सारी एक्टिविटीज में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक्टिविटीज
को तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होंगे। देन अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कैसे हर फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है। प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि प्लानिंग क्या हो रहती है कि हम इन फ्यूचर का डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन्हें कैसे अचीव करना है, उसके लिए प्लानिंग होती है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम प्लान करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर ले ऑर्गेनाइजेशन वो गोल अचीव नहीं कर पाएगी। देन सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपको पता है कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना, तो वहां पे भी हमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहता है। देन थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग जब आप लोगों को रिक्रूट करेंगे, ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होने चाहिए, तो वो आपको थ्रू कोऑर्डिनेशन ही पता रहेगा। अगर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ पता ही नहीं है, आप उनसे कोऑर्डिनेट ही नहीं करते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखेगा। देन फोर्थ इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपको मैंने बताया कि उसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक टीम लीडर का अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो वो उसे मोटिवेट कैसे करेगा, उसको ग्रुप में वर्क करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा। देन फिफ्थ इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि जो भी परफॉर्मेंस है उसे मेजर करते रहना चाहिए, तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट क्या है, ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ग्रुप। कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप से रिलेटेड रहता है, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किससे रिलेटेड नहीं होता। अगर एक अकेला इंसान काम कर रहा है तो उसे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती है। देन सेकेंड इज यूनिटी ऑफ एक्शन। इट क्रिएट यूनिटी अमंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी क्रिएट कर पाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हर एक इंसान वहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं होगा तो वहाँ पे यूनिटी नहीं होगी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है तभी वहाँ पे यूनिटी ऑफ एक्शन होते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि सब लोग एक मिल होकर काम करते हैं। देन थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू ऑल थ्री लेवल। जैसे कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में थ्री लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक मैनेजर की। जैसे फाइनेंस मैनेजर हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर हुआ, परचेज मैनेजर हुआ, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेट करके चले। देन फोर्थ इज कॉमन गोल। ईच इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज इट्स गोल। देखिए, हर एक इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि उसे अपने गोल्स को अचीव करना है। इट इंश्योर दैट रिसोर्सेज एंड टास्क आर असाइंड टू इंडिविजुअल। इसमें ये इंश्योर किया जाता है जो रिसोर्सेज और टास्क हैं वो लोगों को, डिपार्टमेंट को असाइन कर दिए जाए, और इस तरीके से असाइन कर दिए जाए कि जिससे कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट क्या हो, प्रमोट हो, कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो। देन फिफ्थ इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे कि हमने देखा था कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि वो आपको हर एक फंक्शन में परफॉर्म करना रहता है, वेदर इट्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moving.